भगवान ने कहा था कि विभीषण हनुमान नहीं यहाँ थे और भगवान कहाँ चले गए, तो विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण का पुत्र अहिरावण को चुरा करके ले गया होगा। तो हनुमान जी है आज पाटानपुरी में अहिरावण के पास जाते हैं। हनुमान पाटानपुरी में पहुंच जाते हैं और देवी की मथुरा में बैठ जाते हैं। कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भगवान राम की सेवा की ऐसे थे। तो देवी के मन में पहुंच जाते हैं और अहिरावण अपनी तलवार लेकर के भगवान राम और लक्ष्मण का सिर काटने के लिए तैयार हैं। तो देव ही और रावण ने अपनी तलवार उठाई और हनुमान प्रत्यक्ष हो जाते हैं और अहिरावण को वही मार देते हैं। ऐसे रावण के पुत्र अहिरावण का वध हो जाता है। सभी का पद हो जाता है तो स्वयं आज रावण युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे तो रावण अपना दो परिवार लेने के लिए जाता है, लेकिन एक अपने बच्चों को जब पैदल आते ही देखता है तो ये कहता है कि मैं मेरा पैदल ही लेने के लिए जाऊंगा। रावण जाकर के रामाचंद्र में हर्ष उल्लास की चरम सीमा है, क्योंकि रामाचंद्र ने युद्ध के लिए रावण को छोड़ करके दूसरा कोई भी नहीं देता है। अब बढ़िया रावण को रावण की सेना को देख करके और सभी भारत सेना एक बार युद्ध के मैदान में पहुंच जाती है। विजय विजय भार हटाने के लिए स्वयं रणभूमि में तैयार हो जाते ही रणभूमि में है। आज दशहरा और उनके बीच में लगातार युद्ध हो रहा है। भगवान राम दशहरा के सर और बीस भुजाओं को लगातार काट देते हैं और भुजाएं और शीश दोबारा पैदा होते हैं। एक भुजा लगातार चल रही है। चक्र
चुनाव तैयार हो जाते हैं। इस योद्धा को मेरे माता को बहुत मुश्किल पड़ेगा। क्या चक्कर है, क्या काल है, ये कभी भगवान राम के कान में ईश्वर कुछ कह देते राम को भी ईश्वर ने कह दिया इसकी नाभि में मां अमृत है, जब तक नाभि में मां नहीं लगेगा दशानन का वध नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान भगवान